हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की इस वीडियो में हम सरफेस रफनेस पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी इसकी पहली वीडियो देखिए। उसमें हमने सरफेस टेक्सचर पैरामीटर्स जैसे कि ले है, फ्लॉज है, सरफेस रफनेस है, सरफेस वेवीनेस है, वो डिटेल में डिस्कस किया था। उनका सिग्निफिकेंस क्या है ये सब देखा था उस वीडियो में। तो यहाँ पर सरफेस रफनेस पैरामीटर्स डिस्कस करने से पहले मैं एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किए, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एंड ये जो सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ किए उसको बोलते हैं मीन लाइन, ठीक है। ये कुछ इरेगुलरिटीज जिसको हम सरफेस रफनेस या सरफेस वेविनेस बोलते हैं, वो इरेगुलरिटीज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए। वो इरेगुलरिटीज बेसिकली क्या है, सपोज मुझे अगर ये 40 mm हाइट है, 40 mm हाइट का ये वर्कपीस तैयार करना है, सो डेफिनेटली ये 40 mm का मैं नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता। वो कुछ 40 mm से कुछ ज़्यादा रहेगा या कुछ कम रहेगा, मे बी 40.001 रहेगा, मे बी 39.999 रहेगा। तो ये जो वेरिएशन है जिसको मैं रफनेस बोलता हूँ, वो वेरिएशन मैंने यहाँ पर, वो मे बी निगेटिव आ रहे हैं। ये पोर्शन है निगेटिव, ये पोर्शन जा रहा है पॉजिटिव, सो मे बी समटाइम्स निगेटिव आएंगे, समटाइम्स पॉजिटिव जाएंगे। तो ये मीन लाइन है। एंड सेकेंड पैरामीटर है वो है मैक्सिमम हाइट। ये जो अगर आप ये इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो पोर्शन इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। इट इज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर वो है सैम्पलिंग लेंथ। मैंने इतनी लेंथ सिलेक्ट की है, सो इस पॉइंट एंड इस पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा सैम्पलिंग लेंथ। अभी सैम्पलिंग लेंथ क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये वर्कपीस है, मुझे इस वर्कपीस का कंप्लीट रफनेस अगर चेक करना है इस सरफेस का, सो ये मेरी सैम्पलिंग लेंथ होगी। लेकिन अगर मुझे आधे पोर्शन का ही सरफेस रफनेस चेक करना है तो डेफिनेटली ये आधा पोर्शन ही मेरी क्या होगी, सैम्पलिंग लेंथ होगी। तो इसी तरीके से जो 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 सरफेस आपको मेजर करना है उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी सैम्पलिंग लेंथ। एंड ये जो वाई एक्सिस है इसको मैं बोलूंगा वाई ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है जो वेरी हो रहा है इरेगुलरिटीज में। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं बोलूंगा वाई वन ऑर्डिनेट। सपोज ये सेकेंड पॉइंट है, मैं बोलूंगा वाई टू ऑर्डिनेट। सिमिलरली मैं इसको बोलूंगा वाई थ्री ऑर्डिनेट। अकॉर्डिंगली वाई एन ऑर्डिनेट हो गया, बिकॉज मुझे लेंथ पता नहीं है, सो ये वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर एन तक जाएगा। सो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी पैरामीटर्स वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पहला रफनेस पैरामीटर है आर ए। आर ए मीन्स अरिथमेटिक, इसको अरिथमेटिक मीन डेविएशन है, अरिथमेटिक एवरेज भी बोला जाता है। दिस कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रफनेस एंड दिस स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर एवरेज। सो ये आर ए क्या करता है, अगर किसी सरफेस पे आपको आर ए की वैल्यू दी है तो मींस ये आर ए आपको ये मीन वैल्यू देता है, एवरेज वैल्यू आपको मिलेगी सरफेस रफनेस की। सो इसकी डेफिनेशन हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स। अभी ऑर्डिनेट्स मैंने हमने डिस्कस किया है, ये जो y1 y2 y3 ये जो इरेगुलरिटीज है फ्रॉम मीन लाइन, ये डेविएशंस है मीन लाइन से। सो इसकी अगर मैं एडिशन करता हूँ, इसका एवरेज निकालता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली आर ए की वैल्यू मिलेगी। तो ये आप फॉर्मूला, इसका आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे आर ए इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स। इसके लिए मुझे इनकी एडिशन करनी पड़ेगी एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। सो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई एन। सो मैं समेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ I is equal to 1 to n yi divided by number of ordinates. So ये formula use करके आप RA की value निकाल सकते हो। Second parameter है वो है RY, ठीक है। R same है, R stands for roughness,
y जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए दिया गया है, जैसे कि ये एक्सिस है y एक्सिस, यहाँ पर एक पैरामीटर हमने दिखाया है मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज, यानी ये मैक्सिमम डेविएशन है, अगर मीन लाइन से कंसीडर करें तो ये मैक्सिमम डेविएशन है। सो ये रफनेस वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो आर वाई पैरामीटर आपको देगा। सो आर वाई इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट रफनेस पैरामीटर है आर जेड। सो आर जेड निकालने के लिए मुझे फाइव हाइएस्ट पॉइंट्स जो इरेगुलरिटीज है, इसमें जो फाइव हाइएस्ट पॉइंट्स है वो कंसिडर करने हैं, फाइव डीपेस्ट वैलीज, जैसे कि वैलीज है ये पिक पॉइंट्स है एंड ये वैलीज है, वो फाइव हाइएस्ट पॉइंट्स एंड फाइव डीपेस्ट वैलीज, ऐसे टेन पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं एंड बाद में उसका उस डिफरेंसेस का एवरेज निकाला जाता है। सो इसके लिए मैं डायग्राम थोड़ी मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पर मुझे ये पोजिशन बढ़ाना है, ठीक है। पहला हाइएस्ट पॉइंट है ये, इसको मैं H1 कहता हूँ। सेकेंड हाइएस्ट, ये तो वैली है, सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट ये है, इसको मैं H2 कहता हूँ। थर्ड हाइएस्ट पॉइंट ये है H3, नेक्स्ट हाइएस्ट पॉइंट H4 एंड H5, मुझे फाइव पॉइंट सिर्फ कंसिडर करने हैं। सिमिलरली मुझे डीपेस्ट वैलीज, ये फर्स्ट वैली है, इसको मैं बोलूंगा H6, ये है H7, ये है H8, ये है H9, ये है H10। अभी इनका डिफरेंस मुझे कंसिडर करना है एंड उसके बाद उसका एवरेज निकालना है, तो मुझे RZ की वैल्यू मिलेगी। सो पहले मैं इनके एडिशन करता हूँ, जो फाइव हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि H1, H2, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 माइनस, मुझे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का एवरेज निकालना है। तो फाइव हाईएस्ट पॉइंट्स, फाइव डीपेस्ट वैलीज, H6, H7, H8, H9, H10, इसका भी एवरेज निकालना है। सो डिवाइडेड बाय फाइव, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको RZ वैल्यू मिलेगी सरफेस रफनेस की। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है RMS। RMS का मीनिंग है रूट मीन स्क्वायर मेथड, रूट मीन स्क्वायर मेथड। RMS की वैल्यू एंड RA की वैल्यू बहुत क्लोज आएगी, क्योंकि RMS ज्योमेट्रिकल एवरेज, RMS में ज्योमेट्रिकल एवरेज कंसिडर किया जाता है और RA वैल्यू निकलते समय हम अरिथमेटिक एवरेज कंसिडर करते हैं। सो इतना ही खाली डिफरेंस है, RMS कंसिडर्स ज्योमेट्रिकल एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, y इज इक्वल टू, डेफिनेटली फॉर्मूला चेंज होगा, अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n yi square divided by n। So, इसी तरीके से ये सभी फॉर्मूले यूज करके हम रफनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल सकते हैं, जब मेरे पास ये सरफेस रफनेस की प्रोफाइल है। लेकिन ये सरफेस रफनेस की प्रोफाइल अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि टॉमलिंसन सरफेस मीटर है, टेलीसर्फ सरफेस टेस्टर है। सो वो कैसे वर्क करते हैं वो हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।